प्रेरणा कथा 60 साल बाद वो 1950 के दशक में गर्मी की छुट्टियों में अधिकांशता एक सड़क के रेस्टोरेंट में काम करती थी और रुकने वाली कारों में खाने की वस्तुएं पहुंचाती थी। उस समय वो सिर्फ 14 बरस की थी। वो चाहती थी कि उसको उन कारों में ही कोई सुंदर नौजवान मिल जाए और उसका मित्र बन जाए। एक दिन एक 18 वर्ष का नौजवान उसकी तरफ आकर्षित हो ही गया। वो शायद उस लड़की की भूरी आंखों और काले बालों से आकर्षित हो गया था। उस लड़के ने उस दिन कहा था, क्या मैं तुमको तुम्हारा काम समाप्त होने के बाद रात को 12 बजे तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूं? उस लड़की ने अपने माता पिता से अनुमति ले ली और उस रात वो उसको घर छोड़ गया। उसके बाद कई बार वो दोनों फिर से मिले। वो लड़की उस लड़के के साथ बहुत ही खुश लगती थी। एक रात अचानक वो दोस्ती रुक गई। उस रात एक जवान लड़की धड़धड़ाती हुई रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और उस 14 वर्ष की लड़की को धमकी दी, तुम मेरे होने वाले पति के साथ घूमती फिरती हो, मैं उससे शादी करने वाली हूँ, तुम ये घूमना फिरना छोड़ दो। कुछ दिन तक उनकी मुलाकातें बंद हो गई, पर अगली गर्मी की छुट्टियों में वो फिर से उससे मिलने रेस्टोरेंट में आ गया। वो उससे उसके कॉलेज के पास के एक स्थान पर मिलने को तैयार हो गई। इन मुलाकातों में वो उसको चूम भी लेता था और उस लड़की को अच्छा भी लगता था। उस लड़की ने कभी भी उस लड़की के बारे में नहीं पूछा जो धमकी देने आई थी। जब उस लड़की ने हाई स्कूल पास किया, वो कॉलेज में पढ़ने के लिए वर्जीनिया चली गई। गर्मी की छुट्टियों में उसने वहीं वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। उस समय उस लड़की का कॉलेज के एक लड़के से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। एक दिन अचानक वो पहले वाला लड़का उस लड़की के सामने आ गया। उस लड़की ने अपने नए प्रेमी के द्वारा दी गई अंगूठी अपनी उंगली से तुरंत चुपके से उतार ली और अपने जेब में रख ली। उसके पहले प्रेमी का नाम रॉबर्ट था। मोनिका ये लड़की फिर से उससे मिलने को तैयार हो गई। रॉबर्ट और मोनिका को एक दूसरे से कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर से एक हो गए। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बाद में मोनिका को मालूम चला कि रॉबर्ट ने उस लड़की से शादी कर ली थी जिससे उसकी सगाई हो चुकी थी और जो मोनिका को धमकी देने आई थी। मोनिका निराशा में डूब गई और उसको कुछ दिन अस्पताल में भी बिताने पड़े। उसका अपने प्रेमी से संबंध टूट गया। मोनिका के पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान ने मोनिका के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया। उस समय मोनिका 22 वर्ष की थी। वो एक माँ बनना चाहती थी। उसने उस युवक से शादी कर ली। 1960 के दशक की शुरुआत में मोनिका ने एक बेटे को जन्म दिया और वो और उसके पति वर्जीनिया से ह्यूस्टन चले। बीच बीच में मोनिका अपने माता पिता से मिलने मैरीलैंड भी जाती रहती थी, जहाँ उसको 14 वर्ष की उम्र में पहली बार 18 वर्ष का रॉबर्ट मिला था। एक बार जब वो अपने माता पिता से मिलकर ह्यूस्टन वापस गई, विमान स्थल पर उसको किसी ने आवाज़ देकर बुलाया। उसने देखा कि वो रॉबर्ट था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। रॉबर्ट ने उसको कहा, क्या मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मोनिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पर इस बार तुमको मेरे पति और मेरे बेटे से भी मिलना होगा। रॉबर्ट को कोई समस्या नहीं थी और वो सहमत हो गया। मोनिका खुश थी कि रॉबर्ट उसको फिर से मिलने आएगा। दोनों के मन में प्रेम, पुराने प्रेम की चिंगारी अभी तक बाकी थी। 1970 के पहले वर्ष में मोनिका और उसके पति के बीच तलाक हो गया और मोनिका ने बीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और उसका दूसरा पति उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करता था। मोनिका ने 23 वर्षों तक
एक स्वास्थ्य संस्थान में काम किया और अपने काम से वो बहुत ही खुश भी रही। एक समय में वो खुद भी वही मरीज बनकर आ चुकी थी और इन 23 वर्षों में उसने हजारों मरीजों की सेवा की थी। एक दिन जब वो टहलते टहलते अपने घर की तरफ जा रही थी, अचानक उसको एक आवाज़ ने रोक लिया। वो रॉबर्ट था। इतने वर्षों के बाद रॉबर्ट ने मोनिका को अपनी दूसरी पत्नी से मिलवाया और बताया कि उसकी पहली पत्नी 1996 में मर गई थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वो मैरीलैंड में ही रहने को आ गया था, जहां उसने दूसरी शादी कर ली थी। मोनिका और रॉबर्ट दोनों अपने पुराने समय के बारे में बातचीत करना चाहते थे। रॉबर्ट की पत्नी थी और मोनिका के पति थे। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। 2009 में रॉबर्ट की दूसरी पत्नी का निधन हो गया। मोनिका का बेटा भी उसी वर्ष चल बसा। उसके दूसरे पति कैंसर से पीड़ित थे और मृत्युशैया पर थे। मोनिका उनकी अस्पताल में देखभाल कर रही थी। एक दिन उसने ऐसे ही रॉबर्ट को फोन कर दिया, क्या तुम किसी दिन मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? उसने कहा, शनिवार को दोनों साथ साथ सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। मोनिका ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगी। वहाँ से तात्पर्य वही रेस्टोरेंट था जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। जब मोनिका 14 वर्ष की थी और रॉबर्ट 18 वर्ष का था। शनिवार की सुबह दोनों ने फिर से एक साथ उसी रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। उस नाश्ते को खाते समय दोनों ही जानते थे कि नियति इस बार उनके साथ थी और भाग्य उनको पास लाना ही चाहता था। 2010 में मोनिका के दूसरे पति की मृत्यु के समय रॉबर्ट मोनिका के साथ था और उसने ही सभी जरूरी काम किए थे। भाग्य ने उन दोनों को साथ लाने में 60 वर्षों का समय दे दिया था। मित्रों, प्रेम की दुनिया के रहस्य कोई भी नहीं जानता। किसी को तुरंत प्रेम होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, प्रेम समाप्त हो जाता है और दुनिया बिखर जाती है। दूसरी तरफ कोई प्रेम करता है परंतु शादी किसी और से हो जाती है, पत्नी गुजर जाती है, वर्षों बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो फिर से अपनी पुरानी प्रेमिका से जा मिलता है जो उसका इंतजार कर रही होती है। आप भी अगर प्रेम के रहस्यों के बारे में कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और बात, जो कहानी अभी अभी आपने सुनी वो एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कथा में हमने पात्रों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। जगह और घटनाक्रम वास्तविक जीवन में ठीक वैसे ही हुआ था जैसा आपने अभी इस कहानी में सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।